अगर हमें इन टाइम का खाना नसीब भगवान करवा रहा है तो कम से कम दो रोटी हम ऐसे गरीब परिवार के लिए निकालें ताकि उनका गुजारा बसर हो सके, वह भी चैन की नींद सो सकें, भूखे ना सोएं वो। ऐसे लोगों की तरफ ही हमें ध्यान देना पड़ेगा। वाई एस एस एक एनजीओ है जो सांबा का ही एक एनजीओ है जो गरीब लोगों की मदद करने के लिए हमेशा जब भी हमने कोई खबर की सोशल मीडिया के माध्यम से आगे आया, गरीबों की मदद की बिना स्वार्थ के। क्या लेना है उन्होंने, क्या देना है, कोई नेता नहीं बनना है उन्होंने, लेकिन अपनी जेब से पैसे खर्च करके गरीब लोगों की मदद करते हैं ये लोग। और ऐसे लोग मैं कह सकता हूँ भगवान आपने नहीं देखा होगा, हर किसी की आस्था होती है, किसी ना किसी मजहब में अपनी आस्था होती है, लेकिन किसी ने भी ना अल्लाह को देखा है ना किसी ने भगवान को देखा है। एक अपनी वही तो भगवान है, अगर आप सच्चे दिल से किसी की मदद करोगे तो आप ही खुद ही भगवान हो। ये मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, अगर आपको ये चीज़ पता चलती है कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा परिवार है उसकी हमेशा मदद करें, आगे हाथ बढ़ाएं ताकि वह भी इस जिंदगी में जो भगवान ने जिंदगी दी है उसमें वह भी आपके साथ इस रेस में भाग ले सके। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और ठीक है, ड्रेस लाने थोड़े पास ना इधर अंदर अपना ड्रेस शैल है बूट कौन सा कौन जिनका नाम है
ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਵਿਲੇਜ ਬਲ ਨੱਡ ਇੱਕ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਬਰਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਜੋ ਹਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ फोटो नहीं वीडियो है चला दी रोक ला चढ़ है चलो चलो शालू चल चुक पाई लिया हथ माड़ा पुण्य का काम होंगे है बोल रही है शंकुर कुछ गया वै मैं वो नन्ना का खट्टा कराऊंगा तो दी हम इन मिक्रोफोन की छोटी वाली